Okay, so let's do some examples on division and distribution. Example number one says, in how many ways 8 different books can be distributed among 3 students if each student gets at least 2 books? Har bacche ko do do books to aani aani, right? तो इसको करने का तरीका यह है कि आप 8 किताबों को, क्योंकि हर बच्चे को दो दो बुक्स चाहिए, तो आप 2 केसेस ले सकते हो कि आप 8 बुक्स को, एक पहले को 2 दी, दूसरे को 3 दी, तीसरे को 3, फर्स्ट स्टूडेंट को 2 बुक्स, दूसरे को 4, तो तीसरे को अपने आप 2, 2, 5, 1 होगा, लेकिन हर किसी को 2 मिलने, तो ये 2 ही केस आएंगे। तो आप 8 किताबों को ऐसे 3 ग्रुप्स में बांट दीजिए। उसको बांटने का तरीका आएगा 8 factorial by group size, क्योंकि ये repeated group size इसलिए 2 factorial। ये number of groups बने, इनको आप 3 बच्चों में बांटना चाहते हो तो into 3 factorial प्लस 8 बुक्स, ये ग्रुप का साइज है 2 factorial 2 factorial, क्योंकि सेम साइज है 1 2 factorial और इनटू 3 factorial। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 डिफरेंट बुक्स अमंग 3 किड्स इफ ईच स्टूडेंट्स गेट एटलीस्ट 3 बुक्स। अगर यही क्वेश्चन होता कि जिसमें हर बच्चा एटलीस्ट 1 बुक मिल रही हो, तो उसको 2 केसेस से कर सकते हैं। अगर हर बच्चे को एटलीस्ट 1 बुक मिल रही है, तो उसको 2 केसेस से कर सकते हैं। या तो हम ऐसे कर दें, मेथड नंबर 1, हर बुक के पास 3 ऑप्शंस हैं, किसी भी बच्चे के पास जा सकते हैं 3 raised to power 8, माइनस कोई भी बच्चा एमटी ना रहे, r raised to power n माइनस rc1 r-1 raised to the power 8 प्लस rc2, तो ये आंसर आया। ये टोटल वेज, उसमें से हमने वो हटा दिए केसेस जब एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। इस तरीके से हम जो फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था पिछले वीडियो में, वही लगा दिया। या फिर इसके केसेस बना सकते हो आप, अगर 8 बुक्स हैं तो एक केस आएगा 6-1-1 का, एक को 6 मिले बाकियों को 1-1, एक आएगा 5-2-1, एक आएगा 4-3-1 एंड 4-2-2, एक आएगा 3-3-2, और कोई केस 3-1-4, ये सब हम कर चुके हैं। तो ये 5 केसेस आ जाएंगे और इस तरीके से इनको बाद में 3 factorial से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। In how many ways and different toys can be distributed to n kids if exactly 1 kid gets no toy? एक बच्चा ऐसा है जिसको कोई नहीं मिल रहा, n toys है, इसका मतलब एक को 0 मिलेगा, किसी एक को 2 toys मिलेंगे, बाकी सबको 1-1 toys मिलेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि n toys के 1-1 के कितने ग्रुप्स बना लें, n-2 ग्रुप्स, और एक ग्रुप में आ जाएंगे 2 टॉयज। इसका तरीका आएगा n factorial, 1 factorial की पावर n-2 इंटू n-2 factorial, क्योंकि n-2 times वो रिपीट कर रहा है, बाय 2 factorial, क्योंकि एक ग्रुप का साइज 2 है। इस तरीके से आपके पास ये ग्रुप्स बन गए और उन ग्रुप्स को आप अरेंज कर सकते हो n बच्चों में n factorial से, क्योंकि एक में 0 है तो उसको खाली लिफाफा दे दिया, बाकी आपके पास ही हैं, ये सब अलग अलग है इसलिए n factorial। तो ये बेसिकली बन जाएगा nc2 into n factorial। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n टॉयज टू n किड्स इफ एग्जैक्टली 1 किड गेट्स नथिंग। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पार्टीशन ए सेट कंटेनिंग 3 एंड डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू 3 सबसेट्स विच
doesn't have anything in common and सारे के सारे elements आपके बटने चाहिए. That is as good as कि 3n चीजों को आप n n के तीन groups में बांटने. तो आ जाएगा 3n factorial upon n factorial का cube by 3 factorial. आप 3n चीजों को n n के तीन subsets में बांट रहे हैं जिनका intersection phi है और union sample space है. मतलब आपको कंप्लीट एलिमेंट्स बांटने और आपस में वो कुछ भी कॉमन नहीं है. सो दैट इज एज गुड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग या डिवाइडिंग 3n थिंग्स इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ साइज n ईच. तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब हम करेंगे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो काफी इंटरेस्टिंग है. थैंक यू.